लाखों लाख कर्मचारी हड़ताल किए हुए हैं, रोड पे उतरे हुए हैं, कहां है वो मर गए सारे न्यूज चैनल वाले? 30 करोड़ देश के नागरिकों को बेरोजगार करने का काम किया है तुम्हारे पिता श्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया है। बिहार का चुनाव आया तो कह रहे हो कि लॉकडाउन खोल दो, अब कोई कोरोना वायरस नहीं है। इसका मतलब पूरा षड्यंत्र नरेंद्र मोदी ने किया था, पूरे देश की एक एक संपत्ति बेचने के लिए तुम्हारे पिता श्री नरेंद्र मोदी ने किया था। अरे शर्म से डूब मरो, चिल्लू भर पानी में डूब मरो हरामियों। और ये जो 2 कौड़ी के आईटी सेल के भाजपा के मुझे गाली देने में लगे रहते, क्या मैं नहीं जानता हूँ कि ये भगवान की फोटो लगा के, फर्जी आईडी लगा के और ये सबको गालियां देने के लिए इनके आईटी सेल के कमीने कुत्ते लगे हुए हैं? नरेंद्र मोदी सबका बाप है रे, बाप होगा तुम्हारा। वो रंडुआ तो अपनी घरवाली तक नहीं संभाल पाया तो तुम्हें और देश को क्या संभालेगा? नफरत नहीं फैलाओगे तो तुम्हें वोट कौन देगा? तुम्हारी पहचान क्या है? तुम्हारी औकात क्या है? हिंदू मुसलमान, ये है तुम्हारी औकात, तुम्हारी पहचान। चुनाव के टाइम में तुम सेना को मरवाओगे हमारे और उसके नाम पे वोट बैंक मांगोगे? शर्म नहीं आता? सब चीज बेच के खा के बैठ। और अंधभक्त जो है, जिस गोबर भक्त है, वो मोदी मोदी का भजन गा रहे हैं। और मैं पुतला क्यों दहन करता हूँ? बड़ी मिर्ची लगती है भाई। अरे तो अपने पिताश्री से कहो, देश की जनता से क्या वादा किया था? वादा किया था ना 15-15 लाख रुपया देने का, काला धन विदेश से लाके। कहाँ गया वो काला धन विदेश का? जानकारी चाहिए देश की जनता को। 100 दिन में वादा किया था नरेंद्र मोदी ने, कहां है वो 15-15 लाख रुपया? कहां है वो 2 करोड़ प्रत्येक साल नौजवानों को नौकरी देने का वादा तुम्हारे पिता श्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया था इस देश की जनता से? जवाब दो इसका। तुम्हारे पिता श्री ने कहा मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं कसम है मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, तो देश को बेचा तुम्हारे पिता श्री नरेंद्र मोदी ने। रेलवे बेचा, जो नरेंद्र मोदी कहता था रेलवे मेरी दिल की शान है, मेरी आन है, बान है, उसको बेचा। और वो कहां है अभी सारी देश की गोदी मीडिया, जो लाखों लाख कर्मचारी हड़ताल किए हुए हैं, रोड पे उतरे हुए हैं, कहां है वो मर गए सारे न्यूज चैनल वाले? ये भड़ुओं की जो एक न्यूज चैनल की फौज सी खड़ी है, न्यूज 18, जी न्यूज, रिपब्लिक भारत, ये सब मर गए, ये लाखों लाख आदमी रोड पे उतर रहे हैं, ये नजर नहीं आ रहा तुम सबको? हमसे पूछते हो कि हम विरोध क्यों करते हैं? अरे क्यों ना विरोध करें, क्यों ना विरोध करें? 30 करोड़ देश के नागरिकों को बेरोजगार करने का काम किया है तुम्हारे पिता श्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया है। 30 करोड़ लोगों को बेरोजगार करने का। आज ठेले वाले भूखे मर रहे हैं, ऑटो वाले भूखे मर रहे हैं, रिक्शा वाले भूखे मर रहे हैं, जो रोड पे रेड़ियां लगा के अपने बाल बच्चों का परवरिश करते थे वो सब भूखे मर रहे हैं, और वो तुम्हारे बाप श्री नरेंद्र मोदी के चक्कर में मर रहे हैं। पता है बिहार का चुनाव आया, बिहार का चुनाव आया तो कह रहे हो कि लॉकडाउन खोल दो, अब कोई कोरोना वायरस नहीं है। इसका मतलब पूरा षड्यंत्र नरेंद्र मोदी ने किया था, पूरे देश की एक एक संपत्ति बेचने के लिए तुम्हारे पिता श्री नरेंद्र मोदी ने किया था। चुनाव आया सब चीज फ्री हो गया, क्यों? तुम्हारे पिता श्री ने पता है क्या कहा था अभी पीछे, कि हम नवंबर तक बात को नोट कर लो, नवंबर तक हम हर गरीब आदमी को 5 किलो अनाज फ्री में देंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पिता श्री को बिहार में चुनाव है नवंबर में, इसीलिए नवंबर तक की गारंटी लिया कि चुनाव जीतने तक हम लालच देंगे। अरे शर्म से डूब मरो, चिल्लू भर पानी में डूब मरो हरामियों। और ये जो 2 कौड़ी के आईटी सेल के भाजपा के मुझे गाली देने में लगे रहते, क्या मैं नहीं जानता हूं कि ये भगवान की फोटो लगा के, फर्जी आईडी लगा के और ये सबको गालियां देने के लिए इनके आईटी सेल के कमीने कुत्ते लगे हुए हैं? क्या फर्क पड़ता है तुम मुझे गाली देते हो तो?
मुझे गाली देने से सच्चाई नहीं दब जाएगी। अबे दो दो कौड़ी में बिकने वाले, देश बिक गया तुमको चिंता नहीं है? तुम्हारा बाप देश की एक एक धरोहर को बेच दिया, चिंता नहीं है? लाल किले को गिरवी रख दिया, चिंता नहीं है? तुम्हारे ही घर का पैसा LIC में जमा होता है, पता है? हिंदुस्तान के एक एक घर का पैसा LIC में लोग जमा करते हैं, और उस LIC को बेचने का काम तुम्हारा पिता श्री नरेंद्र मोदी किया है। इसलिए पिताश्री कह रहा हूं कि तुम लोग उसको अपना बाप मानते हो, इसीलिए कह रहा हूं पिताश्री, नहीं तो ये लफ्ज नहीं बोलता मैं। नरेंद्र मोदी सबका बाप है, अरे बाप होगा तुम्हारा। वो रंडुआ तो अपनी घरवाली तक नहीं संभाल पाया, तो तुम्हें और देश को क्या संभालेगा? संभाल लिया देश को? बोलो, देश की एक संपत्ति का नाम गिना दो मुझे अंध भक्तों, गोबर भक्तों, कि हाँ नरेंद्र मोदी ने, मेरे पिताश्री ने यह चीज संभाली है। बोलो कितने को रोजगार दिया तुम्हारे पिताश्री ने? एक चीज का रोजगार दिया उसने पूरे देश की जनता को। नोटबंदी की तो एक एक गरीब आदमी मिडिल क्लास के आदमियों को लाइन में खड़ा कर दिया। एक भी नेता लाइन में लगा? एक भी उद्योगपति लगा? एक भी सरकारी कर्मचारी कोई लाइन में लगा? अबे अंधभक्तों, भर लिया क्या साले? गोबर का जाम हो गया है क्या कि यहां से निकलना ही नहीं चाहता तुम लोग का गोबर? बहुत काम किया। अभी एक महाशय मुझे फोन कर रहा है उत्तर प्रदेश से, बहुत काम किया। अबे मैंने कहा एक आध काम तो बता दे भाई, तो बहुत काम किया। अबे उस काम का कोई नाम तो होगा? धारा 370 हटा दिया, यही कहना चाहता है ना, तो उससे क्या हो गया? और भी तो राज्य में धारा 370 लगी हुई है, वो क्यों नहीं हटाया तेरे बाप ने? क्योंकि यहां हिंदू मुसलमान करोगे कमीनों, तभी तुम्हें वोट मिलेगा ना। नफरत नहीं फैलाओगे तो तुम्हें वोट कौन देगा? तुम्हारी पहचान क्या है? तुम्हारी औकात क्या है? हिंदू मुसलमान, यह है तुम्हारी औकात, तुम्हारी पहचान। विकास के मुद्दे पे वोट मांगते, पुलवामा हमला कराया, हमारे 44 जवान शहीद कर दिए, ये चोर उचक्के दो कौड़ी के मीडिया ये पत्रकारिता कहलाने के योग नहीं है। रिया चक्रवर्ती पूरे हिंदुस्तान के न्यूज चैनल को नजर आ रहा है, सुशांत सिंह की मौत पूरे हिंदुस्तान के न्यूज चैनल को, जो गोदी मीडिया चैनल है उनको नजर आ रहा है, लेकिन देश का हमारा 44 वीर जवान पुलवामा हमले में मर गया वो नजर नहीं आ रहा। उनके परिवार जो बिलट गए, बर्बाद हो गए, जिनके घर का चिराग चला गया, वो व्यक्तियों को नजर नहीं आ रहा ये गधे मीडिया वालों को? ये गोदी मीडिया, गधे मीडिया, दो कौड़ी में बिकने वाले, चंद रुपयों में कुत्ते की तरह पत्ता चाटने वाले ये गोदी मीडिया, क्या इनको नजर नहीं आ रहा देश में? प्रत्येक दिन बॉर्डर पे हमारे वीर जवान शहीद होते हैं देश का। 56 इंच की ये छाती थी ना मोदी की, कहां घुस गई? डेली पाकिस्तान आज हमला कर रहा है। आज चुनाव नहीं है, लोकसभा का चुनाव नहीं है, चुनाव के टाइम में तुम सेना को मरवाओगे हमारे, और उसके नाम पे वोट बैंक मांगोगे? शर्म नहीं आता? सब चीज बेच के खा के बैठे हो निकम्मो, तुम किस शान से कैसे आंख मिला के तुम हमसे बात कर सकते हो? बोलो, मैं खुली चुनौती देता हूं पूरे भारतीय जनता पार्टी के एक एक प्रवक्ताओं को, एक साथ मेरे साथ आके एक बारी डिबेट करके देख लो, तुम्हारा पैसाफ ना उतर जाए जो सवाल पूछूंगा। आम जनता के बीच में आ जाओ खुल के, गांधी मैदान बगल में ही है मेरे, है दम। विधानसभा का चुनाव एक बारी आ जाओ, खुली चुनौती देता हूं पूरे भारतीय जनता पार्टी के जदयू के गठबंधन में होना, रामविलास पासवान भी है ना, तुम्हारे तीनों को मैं चैलेंज करता हूं आज। भारतीय मित्र पार्टी का ये राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री धनेश्वर महतो खुली चुनौती देता है कि सार्वजनिक तौर पर गांधी मैदान में आ जाओ। क्या नीतीश कुमार ने बिहार में किया है बात कर लेते हैं, और क्या किया है तुम्हारे पिता श्री नरेंद्र मोदी ने इस पे भी डिबेट कर लेते हैं, एक बारी आ जाओ, है दम। खुली चुनौती देता हूं मैं धनेश्वर महतो, करोगे डिबेट? सारे प्रवक्ताओं को खुली चुनौती दे रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी लीडर हो,
क्या किया है तुम्हारे पिताश्री ने, क्या घोषणा पत्र में तुमने लिखा और उस घोषणा पत्र के हिसाब से कितने काम किए हैं, जवाब कोई। राम मंदिर वो भी तुम्हारा एजेंडा नहीं है, एजेंडा में था लेकिन तुम्हारा डिसीजन नहीं है। तुम 10% आरक्षण देने के लिए वोट बैंक के लिए फॉरवर्ड समाज को रातों रात कानून बदल सकते हो, तो राम मंदिर के लिए कानून क्यों नहीं बदला तुमने?